हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अरुण और आप देख रहे हो अरुण ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं श्री तिरुपति मोटर्स में, जो कि हीरो का शोरूम है। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। इस शोरूम की सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या टेस्ट राइड लेनी है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट को यूज़ करके टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं। और अगर आपको हीरो का वो प्रोडक्ट पसंद आता है, तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मैं एक शोरूम का वर्कअराउंड आपको दे देता हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि शोरूम काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, और इसमें सारे ही आपको कलर वेरिएंट मिल जाएंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, ये आप देख पा रहे होंगे, ये HF डिलक्स का BS6 मॉडल है। इसका भी रिव्यू आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप साइड पर देख पा रहे होंगे, सारे BS6 वेरियंट खड़े हैं। और जैसे जैसे नई नई बाइक आती जाएंगे, मैं उसका रिव्यू देता जाऊंगा। सो हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है पैशन प्रो का BS6 वेरिएंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो कलर है, ये है स्पोर्ट रेड। ये चार कलर में आती है, टेक्नो ब्लू, मून येलो एंड ग्लेज ब्लैक। सो ये जो बाइक है, ये परचेज किसी ने कर ली है, दैट मीन्स ये बाइक का हम लोग रिव्यू नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैं एक वॉक अराउंड वीडियो दे रहा हूँ। सो इसके ब्लैक कलर का अभी हम लोग रिव्यू करेंगे। ये बाइक अभी एक ऑनर ले जाएंगे। सो आप इसकी डायमेंशंस साइड में लिखी हुई देख पा रहे होंगे। और इस गाड़ी का जो कलर है, ये 3-टोन कलर है। हीरो कहता है कि इसने 3-टोन कलर यूज़ किया हुआ है, दैट मीन्स इसमें ब्लैक है, सिल्वर है और रेड कलर है। और वॉक अराउंड देखने पे आपको लग रहा होगा गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। कई लोगों को पसंद आएगी, कई लोगों को नहीं आएगी, ये अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। सो मुझे ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी पहले से। और इसकी जो सीट है, वो थोड़ी सी हार्ड है, बट वो एक अच्छी चीज़ है। ज़्यादा सॉफ्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और आप इसका मीटर देख पाएंगे, इसका जो मीटर है वो सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल है, दैट मीन्स स्पीडोमीटर एनालॉग है, बाकी सारी डिजिटली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। और अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। और इस गाड़ी में हीरो ने कई चेंजेस किए हैं और कई नई नई टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट की हुई है। तो धीरे धीरे करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो अभी मीटर देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ 0.5 किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि ये गाड़ी परचेज़ की जा चुकी है। और अभी मैं इनके ऑनर से भी आपको मिला दूंगा। तो आप सामने से देख पा रहे होंगे, इसमें हैलोजन सेटअप दिया हुआ है, क्योंकि गाड़ी के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है। अगर इसमें LED देते, थोड़ी सी गाड़ी महंगी होती। और ये आप देख पा रहे होंगे, मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑनर है BS6 बाइक के, हीरो पैशन प्रो के। और ये गाड़ी की डिलीवरी है, अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। सो हम ये गाड़ी जाने के बाद हम लोग BS6 वेरिएंट का रिव्यू करेंगे, ब्लैक कलर का। सो आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इसका ब्लैक कलर अवेलेबल यहाँ पर है। अगर आपको जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका BS6 का, हीरो पैशन प्रो के BS6 का ब्लैक कलर है। और इसका भी मैं एक वॉक अराउंड देता हूँ। और ये गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे अपडेटेड लग रही है। और इस गाड़ी में कई चेंजेस किए गए हैं। जब तक आप वॉक अराउंड वीडियो देख रहे हैं, तब तक मैं इसका कुछ चेंजेस को बता देता हूँ। इसमें जो एक सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, दैट मीन्स आप अगर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इसमें सेल टेक्नोलॉजी के कारण आपको एक्सीलेटर नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आप क्लच छोड़ेंगे और गाड़ी अपनी स्पीड को मेंटेन करेगी और गाड़ी बंद नहीं होगी। सो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सामने से इसका ओवरव्यू है। और गाड़ी थोड़ी सी ये भारी लगती है, थोड़ी सी हैवी लगती है और अच्छी लगती है पहले से। और ये BS6 वेरियंट है, तो इसका इंजन भी काफ़ी रिफाइन होगा। सो दूसरी इसमें जो चेंज, दूसरा जो इसमें टेक्नोलॉजी है, वो i3S है, जो कि पहले से इनबिल्ट था, दैट मीन्स आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। अगर आप कहीं पर काफ़ी देर गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और जैसे आप क्लच दबाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। सो आप अगर हम बात करें इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में इसमें टेलीस्कोपिक फॉक्स दिया हुआ है। और इसमें 18 इंच का व्हील दिया है 80x100 सेक्शन के टायर के साथ। फ्रंट में ये ड्रम ब्रेक के साथ आती है, और ये डिस्क के साथ भी आती है, बट ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्रम वेरिएंट है। और इसमें 130mm का ड्रम पड़ा हुआ है। साइड में रिफ्लेक्टर है, IBS का टेक्नोलॉजी दिया है, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो फ्रंट ब्रेक भी उसी रेशियो में अप्लाई होता है और गाड़ी की स्टॉपिंग पावर बढ़ जाती है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है, उसका ट्रेवल 14% यानी कि 14% बढ़ा दिया गया है, जिससे गाड़ी में कंफर्ट भी इंक्रीज़ हो गया है। और इसमें, इस गाड़ी में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं इसका जो इंजन है वो ऑन करके नहीं दिखा पाऊँगा, मीटर भी ऑन नहीं हो पाएगा। और सामने से देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड लग रही है। साइड में आप देख सकते हैं, ये जो डिटेलिंग की गई है, जिससे इसमें थोड़ा सा स्पोर्टी फीचर लग देखने में लग जाए। और इसमें अंदर मल्टी रिफ्लेक्टर
एलईडी दी सॉरी हेडलैम्प दिया हुआ है और ये हेलोजन पे आता है। सो आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, पहले से गाड़ी काफ़ी अलग लगती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर की, तो इसमें पीछे की तरफ स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन दिए हुए हैं और पीछे का जो चेन कवर आप देख पा रहे होंगे, ये स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन दिए हुए हैं। पीछे का जो चेन कवर है वो प्लास्टिक का दिया हुआ है, वो मेटल का नहीं है, जिससे गाड़ी का वेट थोड़ा सा कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और इसमें जो पीछे का जो टायर है वो 18 इंच का 80x100 सेक्शन का टायर दिया हुआ है, जिससे कि काफ़ी अच्छी इसमें ग्रिप मिलती है। और अगर हम बात करें इसके रियर सस्पेंशन की, तो जो रियर सस्पेंशन है वो 10% इंक्रीज़ कर दिया गया, दैट मीन्स उसका ट्रेवल 10% बढ़ा दिया गया है, जिससे जो गाड़ी में जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। और इसमें ऑल न्यू डायमंड टाइप फ्रेम जो यूज़ किया गया है, जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी हाई स्पीड पर काफ़ी अच्छी रहती है। और इस गाड़ी में छोटे मोटे कई चेंजेस किए गए हैं, तो आपको देखने में नहीं पता चलेगा। जो आप पीछे हेडलैम्प अभी देख पा रहे थे, वो इसका सिग्नेचर हेडलैम्प दिया हुआ है, टेल लैम्प दिया हुआ है, क्योंकि ये हीरो यानी एच शेप का दिया हुआ है, एच मीन्स हीरो और एच शेप का इसमें पीछे दिया हुआ है टेल लैम्प, सो इसलिए सिग्नेचर टेल लैम्प है। और इसका जो मीटर है ये मैं भी ऑन करके नहीं दिखा पाऊँगा, इससे पहले मैंने दिखा दिया है, आप वीडियो की स्टार्टिंग में इसके मीटर को देख पा रहे होंगे। स्विच गियर हैं वो पहले की तरह दिए, वो और अच्छे हो सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी के प्राइस को भी हाइक नहीं होने देना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 8.2 लीटर कैपेसिटी का दिया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी रेंज प्रोवाइड करता है। अब बात करें इसके इंजन की, तो इंजन से पहले आप इसके साइड के ग्राफिक्स को देख लेते हैं। इसके साइड के जो ग्राफिक्स हैं वो 3-tone कलर में आते हैं और ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साइड में इसमें पैशन प्रो लिखा हुआ है और ये देख पा रहे होंगे काफ़ी स्टाइलिश है। और ये जो टैंक में एक्सटेंशन लगे हुए हैं वो इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए है, यहाँ FI की ब्रांडिंग है, ये i3S की ब्रांडिंग है और पीछे भी आप देख पा रहे होंगे हीरो की ब्रांडिंग है और ये 3D में नहीं है। तो गाड़ी में ग्राफिक्स में भी बहुत बदलाव किए गए हैं। और अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसका जो इंजन है वो 109 cc का एयर कूल्ड इंजन दिया हुआ है और ये FI पर वर्क करता है। सो इसकी ग्रैब रेल काफ़ी अच्छी है। जो मैं सिग्नेचर टेल लैम्प की बात कर रहा था वो ये है, ये एच शेप की है, एच मींस हीरो और एच शेप की इन्होंने पीछे टेल लैम्प भी दे रखी है, तो इसलिए हीरो इसको सिग्नेचर टेल लैम्प बोलता है। और बात कर रहे थे इसके इंजन की, तो इसका इंजन 109.7 cc का एयर कूल्ड इंजन है, ये FI पर वर्क करता है और ये BS6 कंप्लाइंट इंजन है। इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 9.02 bhp 7500 rpm पे और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 9.79 न्यूटन मीटर है, वो भी 5000 rpm पर है। और इसमें पावर को 9% इंक्रीज़ किया गया है और जो जो इसका पीक टॉर्क है वो भी 22% इंक्रीज़ हो गया है। इसमें 4-speed यानी कि 4 गियर आते हैं, इसमें 4-speed गियर बॉक्स है और जो सभी के पैटर्न आप है, मतलब आपको टो हील यूज़ करना पड़ेगा यानी पीछे दबाना पड़ेगा तभी आपके गियर पड़ेंगे इसमें। और इसमें ऑटो सेल टेक्नोलॉजी भी दी हुई है, जिससे आप, मैंने अभी बताया था कि आप अगर कहीं पर ट्रैफिक में हैं तो आप इजीली गाड़ी को विदाउट एक्सेलेटर आगे बढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर दिया हुआ है, ये BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर एक गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि BS6 वेरिएंट की होगी। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हीरो ने छोटे मोटे कई चेंजेस किए हुए हैं। और पीछे आप देख पा रहे होंगे ये जो IBS टेक्नोलॉजी है ये उसका बॉक्स है, यहाँ से IBS कंट्रोल होता है, यानी कि आप पिछला ब्रेक दबाते हैं तो अगला ब्रेक भी उसी रेशियो में अप्लाई हो जाता है। और इस गाड़ी में छोटे मोटे कई चेंजेस किए जो मैंने बताने की कोशिश की है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 9% बढ़ा दिया गया है। अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट ख़रीदते हैं तो इसका जो डिस्क वेरिएंट है वो 240 mm का है और ड्रम 130 mm के, जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई दिया हुआ है। सो गाड़ी का ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है और पर्सनली मुझे ये ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और अभी मैं गाड़ी पर आपको दिखाता हूँ कि अगर आप गाड़ी पर बैठते हैं तो आपके पैर पहुँचते हैं या नहीं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो क्लच एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको ये सिटी पे चलानी है तो उस हिसाब से इसका क्लच एक्शन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं गाड़ी पर बैठ गया हूँ, जैसा कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ।
सामने से आप गाड़ी में जब बैठते हैं तो देखने में कुछ ऐसा लगता है। इसका जो फ्रंट कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एनालॉग भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये अपना अपना ओपिनियन है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हील एंड टो शिफ्टर दिया हुआ है, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर साइड में एक छोटा सा सेफ्टी फीचर लगा हुआ है, जिससे आपका जो पैर है वो इंजन में टच ना हो पाए। और ये देख सकते हैं आप, हीरो की ब्रांडिंग दी हुई है। इसकी जो की है कुछ इस तरह की आती है, और ये नॉर्मल की है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। तो दिस इज़ माय ओवरव्यू अबाउट दिस बाइक। अगर आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग।